ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार और राज्यपाल लालजी टंडन एक बार फिर आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट आयोजित करें, अन्यथा ये माना जाएगा कि आपके पास वास्तव में राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं है। उधर गुरुग्राम से भोपाल पहुंचे भाजपा विधायकों को फ्लोर टेस्ट नहीं होने के कारण फिर से मनेसर भेजा जाएगा। एमपी के विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधानसभा का सत्र शुरू होने के कुछ देर बाद कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया। इस पर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया है और कहा है कि सरकार फ्लोर टेस्ट से डर रही है। और इसी खबर पर हमसे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक रत्नेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। रत्नेश जी, मध्य प्रदेश में सियासत धीरे धीरे गर्माती जा रही है। आज फ्लोर टेस्ट का दिन था लेकिन आज किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, अब ये राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, ये मुझे इसको अगर कर्नाटका में जो क्राइसिस हुई थी विधायकों को का पार्टी से हटने के बाद, कुछ कुछ वैसी ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथी विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं जी। इसमें राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री, इनके भी सीधा सीधा टकराव होता दिख रहा है। राज्यपाल भी एक के हाथ बंधे होते हैं। इसमें स्पीकर की भूमिका भी महती हो जाती है कि वो फ्लोर टेस्ट कराना चाहता है और कब कराना चाहता है। रत्नेश जी, राज्यपाल तो खुद कमलनाथ से कह रहा है कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो आपके पास बहुमत नहीं है, ये डर है आपके पास, ये वहां के राज्यपाल का कहना है। देखिए, राज्यपाल सिर्फ निर्देश दे सकता है, यहाँ पर निर्देश उसका पालन करना नहीं पालन करना ये स्पीकर के हाथ में है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी संस्था है जो आदेश दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे आदेश के बाद अगर वहां पे फ्लोर टेस्ट होना है तो वो होना ही होना है। और ये बात लाजमी है, ये परिलक्षित हो रही है कि कमलनाथ सरकार के जो विधायक साथ से चले गए हैं उसके बाद वो अल्पमत में आ गई है। ये बात अलग है कि जो विधायक साथ छोड़ के गए हैं उनको वोटिंग में पार्टिसिपेट कराया जाएगा या नहीं जाएगा या वो बाहर बैठेंगे, ये अलग चीज हो गई। इसमें हमें समीकरण ये देखना है कि राज्यपाल, स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं फिर कहूंगा राज्यपाल सिर्फ निर्देश दे सकता है, आदेश देने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।